रोहित शर्मा के कोरोना संक्रमित से अब टीम इंडिया को बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वह पांचवें टेस्ट में किसे कप्तान नियुक्त करेंगे, क्योंकि टीम इंडिया के उप कप्तान केएल राहुल चोटिल होकर पहले ही दौरे से बाहर हो चुके हैं और अन्य खिलाड़ियों को भी ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। भारत के मौजूदा टेस्ट टीम में कई खिलाड़ी हैं, कप्तान बनाया जा सकता है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा में तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह का नाम है। सभी खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाने की ख्वाहिश कर रहे हैं। बुमराह साउथ अफ्रीका के दौरे पर 3 मैचों की वनडे सीरीज में उप कप्तान रह चुके हैं। वहीं अगर अब रोहित शर्मा टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे तो बुमराह टीम की अगुवाई कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPL।